मुंबई चकाचौंध से भरा सपनों का शहर, जहां कभी अंधेरा नहीं होता। रात के टाइम भी आपको मुंबई की सड़कों पर ना जाने कितने इंसान घूमते हुए मिल जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, रात में अंधेरा होने के बाद मुंबई के सड़कों पर घूमने वाले सिर्फ इंसान ही नहीं होते, बल्कि बहुत सी ऐसी चीजें भी बाहर निकलती हैं जो इस दुनिया की नहीं होती। दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और मैं अपने चैनल प्रवीण सो वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको भूत, प्रेत, चुड़ैल, जिन्नात और इस तरह के अलग अलग टॉपिक्स की रियल हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर हफ्ते आपके लिए बहुत सी रियल हॉरर स्टोरीज लेकर आता हूँ, बिल्कुल रियल हॉरर स्टोरीज, बिना किसी झूठे मिर्च मसाले के साथ। अपने वीडियोस में मैं आपको ये रियल हॉरर स्टोरीज तो सुनाता ही हूँ, इसके साथ साथ मैं इन इवेंट्स को एनालाइज करने की कोशिश भी करता हूँ कि स्टोरीज में जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ और उससे कैसे बचा जा सकता था। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मुंबई की दो रियल हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मैं हर एक स्टेट की, अलग अलग शहरों की रियल हॉरर स्टोरीज आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। लेकिन मुंबई की बात थोड़ी अलग है, क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन तो है ही, लेकिन यहाँ पर जंगल भी हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कि जिन स्टेट्स में, जिन शहरों में जंगल और पहाड़ होते हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन मुंबई मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का इकलौता ऐसा शहर है जहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के साथ साथ जंगल भी बीच शहर में मौजूद हैं। और मुंबई के बारे में मैं आपको बताऊं कि मुंबई एक बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ पे मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे बहुत ही बढ़िया बढ़िया स्टोरीज भेजी हुई हैं, जो कि मैं आगे आने वाले एपिसोड्स में आपके लिए लेकर आता रहूँगा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ मुंबई के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस के बारे में, जिसका नाम है आरे मिल्क कॉलोनी। आई एम श्योर अगर आप मुंबई के हैं या उसके आसपास के इलाके के हैं तो आपने इस जगह का नाम तो सुना ही होगा। लेकिन जो लोग मुंबई से नहीं है या जिन्होंने इसके बारे में नहीं सुना है, इस कॉलोनी के बारे में, उनको मैं बता दूं कि इसको बोलते तो आरे कॉलोनी है, लेकिन असल में ये एक कॉलोनी नहीं है। ये बेसिकली एक जंगल है, काफ़ी बड़ा जंगल है। और इस जंगल, मतलब ये जंगल ऐसे सिचुएटेड है, ऐसी जगह पे लोकेटेड है कि बीच में ये जंगल है और इसके चारों तरफ जो है अलग अलग सोसाइटीज़, कॉलोनीज और रिहायशी इलाके मौजूद हैं जिनमें कि लोग रहते हैं। तो और बीच शहर में होने की वजह से लोगों का भी कभी कभार बीच में से, इस जंगल में से आना जाना लगा रहता है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो आरे कॉलोनी का एरिया है, इसको सिर्फ मुंबई नहीं, अगर मैं इंडिया के टॉप हॉन्टेड प्लेसेस की मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से आरे कॉलोनी का नाम उस हॉन्टेड लिस्ट में ज़रूर आएगा। इस इलाके की इतनी सारी स्टोरीज फेमस हैं और आप अगर इंटरनेट पर भी सर्च करेंगे तो आपको इतने सारे आर्टिकल्स, इतने सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस जो है पढ़ने को, सुनने को मिलेंगे आरे मिल्क कॉलोनी का। इसको मिल्क कॉलोनी इसलिए बोलते हैं क्योंकि बताते हैं कि यहाँ पे पास में ही एक मिल्क प्लांट है जहाँ पे कि, जहाँ से मिल्क सप्लाई होता है, इसलिए इसको आरे मिल्क कॉलोनी भी बोला जाता है। नॉर्मली इसको आरे कॉलोनी बोलते हैं। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया कि ये एक जंगल है और इसके आसपास आबादी का एरिया मौजूद है और ये एक ही बहुत ही फेमस हॉन्टेड प्लेस है। वहाँ पे बहुत से लोग जानते हैं, पुराने जो हैं वहाँ पे, और वो इस इलाके में जाने से बचते हैं। लेकिन हर एक तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कि नहीं मानते हैं इन सब चीज़ों को। और मैं आपको बताऊं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो लोग इन चीज़ों को तब तक ही नहीं मानते हैं जब तक कि खुद उनके साथ नहीं होता है। जब उनके साथ ये सब चीज़ें होने लग जाती हैं तो सबको यकीन हो जाता है, एक पॉइंट के बाद सब यकीन करने लग जाते हैं। खैर, तो आज जो मैं आपको दो स्टोरी सुनाने वाला हूँ, बेसिकली ये दोनों ही मेरी एक फीमेल व्यूअर हैं जिन्होंने मुंबई से भेजी हैं। तो ये फर्स्ट स्टोरी जो इन्होंने मुझे बताई है, ये एक्चुअली में इनके एक फ्रेंड के मम्मी पापा के साथ हुई थी। तो ये बताते कि इनकी ये जो फ्रेंड थी, ये उस आरे कॉलोनी में ही रहा करती, उस जगह का नाम ही आरे कॉलोनी है जो कि जंगल के पास में सिचुएटेड है बिल्कुल। और उस कॉलोनी में अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, तो जिस पर्टिकुलर बिल्डिंग में इनकी ये फ्रेंड रहती थी वो उस कॉलोनी की सबसे पीछे वाली बिल्डिंग थी जिसमें इनकी ये फ्रेंड रहा करती थी। और उनकी बिल्डिंग के जस्ट पीछे कॉलोनी की बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है और उस बाउंड्री के जस्ट पीछे वो आरे
का फेमस यू नो हॉन्टेड जंगल स्टार्ट हो जाता है, और उस जंगल के आगे फिर जो है वेस्टर्न लैंड स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे कि दूसरा आगे रिहायशी इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। अब चूंकि वो जंगल बीच में पड़ता है, तो ये बताते हैं कि अक्सर लोग जो है मतलब जंगल तो है लेकिन रोड्स वगैरह भी बनी हुई हैं वहाँ पे, कुछ कच्ची रोड्स होंगी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि रोड्स की हालत कैसी है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे रोड्स बनी हैं जिसको कि लोग कई बार शॉर्टकट वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं। तो हुआ ऐसा था कि एक बार जो है इनकी फ्रेंड के मम्मी पापा जो कि उस कॉलोनी में रहते थे, इनको आदत थी रोज़ सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाने की। तो एक दिन क्या हुआ, सुबह के 5 बजे ये लोग अपना इनके मम्मी पापा रोज़ की तरह मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे, मतलब कॉलोनी से बाहर निकलकर वो जो जंगल वाला एरिया था उस पर कोई सड़क बनी थी, उस सड़क पर मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे। अब इन्होंने ये बताया है इस स्टोरी में कि सुबह 5 बजे जब वो जा रहे थे तो वो अंधेरा हो रखा था वहाँ पे, जिससे कि मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि वो शायद सर्दियों का टाइम होगा, क्योंकि गर्मियों में तो यहाँ पे दिल्ली में तो सुबह 5 बजे दिन निकल आता है, तो गर्मियों आई एम श्योर मुंबई में भी ऐसा ही होता होगा, 5 बजे दिन निकल आता होगा गर्मियों में। तो हुआ क्या, जब ये उस रोड पे चलते हुए जा रहे थे तो इनको थोड़ी दूर आगे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। अब देखो रोज जाते थे तो एकदम से ऐसे कोई दिखना किसी को कुछ अजीब नहीं लगता ऐसा, इन्होंने भी सोचा होगा कि भाई शायद कोई ऐसे ही खड़ा है, किसी का वेट कर रहा है, किसी काम से खड़ा हुआ, इन्होंने जो है उस पर ध्यान नहीं दिया उस आदमी पे। हालांकि यहाँ पे मैं एक और बात बता दूँ कि इनके बीच में और उस आदमी के बीच में काफ़ी डिस्टेंस था, मतलब कि अंधेरा तो था ही लेकिन इनको ये दिख रहा था कि कोई खड़ा हुआ है, लेकिन चूंकि अंधेरा था और डिस्टेंस इतना था तो उसके फीचर्स उसका फेस ये सब उनको नहीं दिख रहा था, तो इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप से अपना जो है उसकी तरफ चलते जाने लगे उस आदमी की तरफ। अब हुआ ये कि इसी बीच इनके पीछे से, जैसे मैंने बताया यहाँ पे मिल्क प्लांट भी है, तो एक मिल्क का ट्रक इनके पीछे से आया, और अब वो ट्रक में था तो ऑब्वियसली इनसे आगे निकल गया, तो वो ट्रक इनसे आगे निकल गया और जहाँ पे वो आदमी खड़ा था ना वहाँ तक पहुँचा वो ट्रक, और फिर वहाँ से ट्रक वाले ने एकदम से जो है ट्रक घुमाया और वापस इनके तरफ में आ गया, और इनके पास आते ही उसने एकदम से यू नो मतलब घबराते हुए इनसे बोला कि रुको 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 आगे मत जाओ, जल्दी से ट्रक में आके बैठो, मतलब इस तरीके से उनको उनको बोला। अब नॉर्मली देखो होता क्या है, कोई आप सड़क पे जा रहे हैं, कोई एकदम से ऐसे ट्रक लेकर आएगा आपको बोलेगा कि आ जाओ मत जाओ बैठ जाओ, तो ऐसे तो कोई नहीं बैठता है, लेकिन शायद उसकी आंखों में उसकी बातों में कन्विक्शन लगी होगी इनको, या फिर उस जिस तरीके से वो घबराया हुआ था इनको लगा होगा कि भाई शायद सच में कुछ गड़बड़ है आगे, तो उसकी बात मानकर उसकी बात सुनकर ये उसके साथ ट्रक में बैठ गए। अब ट्रक में बैठ गए तो फिर वो ट्रक वहाँ से जो है वापस ले गया दूसरे रास्ते पे, जिस जगह वो आदमी खड़ा था उससे अपोजिट दूसरी तरफ ले जाने लगा। फिर उन्होंने पूछा उस ट्रक वाले से कि ऐसी क्या बात हो गई, आपने हमें एकदम से बैठने को क्यों बोला, आगे क्यों नहीं जाने दिया हमको। तो उस ट्रक वाले आदमी ने बताया इनको कि आपको वो जो आदमी खड़ा था वो दिखाई दे रहा था, उन्होंने बताया हाँ हमें तो दिख रहा था वो आदमी, उसमें क्या है। तो उसने बताया कि वो आदमी मुझे भी दिख रहा था, लेकिन जब मैं उस आदमी के बिल्कुल पास पहुँचा ना तो मैंने देखा कि वो उस आदमी के सिर्फ एक आउटलाइन थी, उसका कोई फेस नहीं था, उसका फेस बिल्कुल फ्लैट था, उसमें ना आंखें थी मुंह थी कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसकी एक तरह की शेप बनी हुई थी, वो कोई इंसान नहीं था, वो कुछ और ही चीज़ थी, कोई ऊपरी हवा थी वो। तो ये जब उस ट्रक वाले ने देखा तो उसने उसी वक्त वहाँ से अपना ट्रक घुमा लिया। अब वो इनके पास आके इसलिए रुका क्योंकि उसने बताया कि भाई मैं तो ट्रक में था, मैं तो एक बार के लिए बच जाता, लेकिन मैंने आप दोनों को देखा कि आप दोनों जो हैं उसी आदमी की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, आपको उनके पास में जाने से रोकना चाहिए, इसलिए मैं आपके पास आया और आपको बैठा के वहाँ से ले गया। तो आई एम श्योर ये लोग उस कॉलोनी में रहते थे तो उन्होंने भी सुना ही होगा उस हॉन्टेड एरिया के बारे में कि वो जगह हॉन्टेड है, लेकिन फिर भी ये लोग जाते थे उस एरिया में जो है मॉर्निंग वॉक के लिए। लेकिन फिर ये बताते हैं कि उस दिन के बाद से इनके मम्मी पापा ने सुबह उजाला होने से पहले मॉर्निंग वॉक पर जाना छोड़ दिया।
तो ये थी ये पूरी स्टोरी, फर्स्ट वाला इंसिडेंट जो उन्होंने भेजा था। अब इस इंसिडेंट को थोड़ा सा एनालाइज करें तो मतलब ये बहुत बार होता है, मतलब बहुत सारी स्टोरीज होती हैं ऐसी जिसमें कि लोग इस तरह की रॉन्ग गलतियां करते हैं कि भाई वो एरिया इतना फेमस हॉन्टेड एरिया है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है ना, जैसे मैंने बताया, देखो होता यही है यार, जब तक खुद के ऊपर नहीं बीतती ना, जब तक आपके साथ कुछ ऐसा नहीं हो जाता, तब तक आप लोग, तब तक कोई यकीन करता ही नहीं इन सब चीज़ों के ऊपर। अब चूंकि इन्होंने बताया इनके फ्रेंड के मम्मी पापा थे, तो मैं गैस कर रहा हूँ कि उनकी एज भी 50-55-60 के आसपास ही रही होगी। तो इस एज में वो आदमी के पास, ठीक है उस ट्रक वाले ने रोक लिया इनको, इनकी इनका इनका दिन अच्छा था, किस्मत अच्छी थी उस दिन, लेकिन अगर बाय चांस वो ट्रक वाला नहीं आता और ये उस आदमी के पास पहुंचता तो क्या होता? हो सकता है कुछ भी ना होता, यू नो, जस्ट चले जाते उसके सामने से, वो कुछ ना करता। लेकिन अगर वो कुछ करता इनको, यू नो, इनके ऊपर आ जाता या किसी तरह की हार्म करने की कोशिश करता, तो फिर ये क्या करते? उस उम्र में तो ये भाग भी नहीं पाता उससे। अब मैं एक चीज आप लोगों को बताऊं दोस्तों, बहुत ही जिम्मेदारी से मैं आपको बताता हूं ये बात, कि ये जो चीजें होती है ना, ये इंसिडेंट्स जो होते हैं, ये होने में तो सिर्फ एक सेकंड लगती है। गए उसने, कोई भी ऊपरी हवा आई, वो आपके ऊपर आ गया, उसने आपको पकड़ लिया, होने में तो सिर्फ एक सेकंड लगती है, कुछ भी नहीं लगता। लेकिन हो जाने के बाद इन चीजों से पीछा छुड़ाने में महीनों, सालों, कई बार तो ये ऐसी पावरफुल चीजें भी आ जाती हैं कि मरने के बाद तक भी नहीं छूटती, आत्मा को भी आपके साथ ले जाती हैं अपनी। तो मैं तो यही कहूंगा अपने व्यूवर्स से कि भाई अगर आपके इलाके में कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा रास्ता है, तो उससे जाने से बचें। इनके मम्मी पापा जाते थे अंधेरे में, नहीं जाना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, किस्मत अच्छी थी, कुछ नहीं हुआ। खैर, अब मैं सेकंड स्टोरी की बात करूं तो वो भी थोड़ी सी मिलती जुलती है। सेकंड स्टोरी, इनके इनके ऑफिस में एक लड़का था, काम करता था, उसके साथ में हुआ था। तो ये बताते हैं कि इनका ये जो फ्रेंड था, ये जिस ऑफिस में काम करा करता था उन दिनों, वो गोरेगांव नाम की जगह पर था वो ऑफिस, और उसका जो घर था वो मुलुंड नाम की जगह पर था। तो बेसिकली ये इस तरह से लोकेटेड है कि एक जगह मुलुंड है, एक जगह गोरेगांव है, और बीच में वो अरे कॉलोनी का जंगल पड़ता है। तो कई बार शॉर्टकट के लिए जो है बीच से लोग निकलते हैं जंगल से, जैसे मैंने बताया। तो वो गोरेगांव में काम करता था इनका फ्रेंड ऑफिस में, लेकिन उसकी नाइट शिफ्ट लगा करती थी वहां पर, नाइट शिफ्ट में ज्यादातर वो काम करता था। तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, आई एम श्योर वो पहले भी जाता होगा उस रास्ते से नाइट शिफ्ट में शॉर्टकट के लिए। तो एक रात वो ऐसे ही अपना बाइक से उस शॉर्टकट के रास्ते से जा रहा था। अभी बताते हैं कि वो जो फ्रेंड था इनका, उसकी नेचर ऐसी थी, थोड़ा हेल्पिंग नेचर का बंदा था वो, कोई उसको मतलब ऐसा दिखे बेसहारा या जिसको मदद की जरूरत है तो वो उसकी हेल्प जरूर करता था। तो अब हुआ ये कि जब वो उस रास्ते से जा रहा था रात के टाइम पे, अब ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि उस जो रास्ता था, जिस रास्ते से वो जा रहा था, उस रास्ते पे लाइट्स वगैरह कैसी लगी थी, नहीं लगी थी, मुझे नहीं पता इसका। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाई जंगल के इलाके में गवर्नमेंट, मुझे नहीं लगता इतनी एफिशिएंट होगी वहाँ पे, कि जंगल में भी उन्होंने लाइटें लगवा रखी होंगी, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगवा रखी होंगी। तो अंधेरा ही रहा हुआ उस रोड पे, तो उस अंधेरी रोड पे इसको जाते हुए बाइक से आगे एक बूढ़ी औरत चलती हुई दिखाई दी, और मतलब जैसे बूढ़े होते ना, बहुत बूढ़े, सिर्फ बूढ़े नहीं, बहुत बूढ़े, 80-90 साल की औरत, जिसकी और मतलब बिल्कुल कमर ऐसे झुकी हुई थी, एक एज में आने के बाद में वो कमर बिल्कुल झुक जाती है ना, ऐसे हंप निकल जाता है पीछे, तो ऐसे झुक के चल रही थी वो, जैसे कि बिल्कुल बहुत ही बूढ़ी औरत हो। और उसने मराठी साड़ी पहनी हुई थी, ब्लू कलर की मराठी साड़ी, एक अलग ही मतलब स्टाइल की साड़ी होती है, वो पहनी हुई थी। तो उसने देखा कि यार ये बूढ़ी औरत जा रही है रास्ते से, क्या पता बेचारी कहाँ जा रही हो, अकेली हो, किस परेशानी में हो, इसको मदद की जरूरत हो। तो उसने जो है उसको आवाज़ मारी उस बूढ़ी औरत को, लेकिन वो बूढ़ी औरत नहीं रुकी इसकी आवाज़ सुन के, वो बस धीरे धीरे जो है आगे चलती रही। अब इसको लगा कि यार बूढ़ी है बेचारी, हो सकता है इसको मेरी बात सुनाई ना दी हो, क्योंकि बुढ़ापे में जो है ऊँचा सुनने लगते हैं लोग, तो उसको लगा हो सकता है ऊँचा सुनती हो बेचारी, इसको मेरी बात सुनी ना हो। तो उसने क्या किया, अपनी बाइक पे तो था ही, बाइक ले गया और उस बूढ़ी औरत के थोड़ा सा आगे जाके रोक दी,
जिससे कि वो उसको देख ले अपने सामने खड़ा हुआ। अब आगे जाके रोकी इसने तो पलट के देखा यूं करके उस बूढ़ी औरत की तरफ और बात करने के लिए पलटा होगा। अब जब ये पलटा तो उसने देखा कि वो जो बूढ़ी औरत थी उसकी साड़ी तो साफ साफ दिख रही थी, मतलब एक शेप तो आ रही थी उसकी पूरी, लेकिन जो अंदर था उसके, जो कि इंसान की बॉडी होनी चाहिए थी, वो बॉडी नहीं थी, वो सिर्फ ब्लैक 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 अंधेरा था, सिर्फ एक अक्स जिसे बोलते हैं काला साया था बिल्कुल। तो ये देखते समझ गया कि भाई ये तो कोई इंसान नहीं है, तो कुछ और ही चीज़ है। तो उसी वक्त इसने जो है अपनी बाइक भगाई और सीधा अपने ऑफिस में पहुंच गया। ऑफिस पहुंच के इन्होंने अपने दोस्तों को बात बताई होगी, क्या पता कितने लोगों ने यकीन किया होगा नहीं किया होगा इन बातों पे। तो उस दिन के बाद से, उस रात के बाद से इन्होंने जो है उस शॉर्टकट रास्ते से जाना छोड़ दिया। तो ये थी वो सेकेंड स्टोरी जो कि बताई गई थी। अब इस स्टोरी के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करें तो इसमें भी ऐसा कुछ खास है नहीं एनालिसिस करने के लिए, बेसिकली वही हॉन्टेड एरिया है। आई एम श्योर इनको पता भी होगा कि वो हॉन्टेड एरिया है, रात के समय यू नो उस एरिया को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये जा रहे थे। वही ना, जैसे मैंने बताया कि जब तक खुद के साथ नहीं होती दूसरों की बातें सुनते हैं तो यकीन नहीं होता, जब तक कि खुद के साथ नहीं हो गया। अब इनके साथ हुआ तो आई एम श्योर इनको इनकी हिम्मत नहीं हुई होगी अगली बार जाने की रात में उस इलाके से। और दोस्तों मैंने जैसा अगेन पहले बताया आपको कि अगर आप कभी ऐसे सिचुएशन में हो कि आपको रात में कहीं से जाना पड़े और आपको कोई पता है कि कोई रास्ता हॉन्टेड है तो आप उस इलाके से मत जाओ, अवॉइड करो ऐसी जगहों से जाना, ऐसी सड़कों से जाना जहाँ पर कि आपको पता है बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं या फिर जो है ना लोग बताते हैं कि इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर आती हैं रात में। क्योंकि अगेन फिर आप नहीं मानते इन चीज़ों को तो अलग बात है, ठीक है, फिर तो सब कुछ ही बताना बेकार है। लेकिन अगर आप मानते हो तो आप ये यकीन करो कि ये सब चीज़ें आपको नुकसान कर सकती हैं और बहुत बड़ा नुकसान कर सकती हैं। आप लोगों ने मेरे ख्याल से आई एम श्योर सुना होगा, हर एक शहर में इस तरह के सड़कें होती हैं, रास्ते होते हैं, फ्लाईओवर्स होते हैं जहाँ पर कि एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भाई वो जगह ही ऐसी है, मतलब कि उस फ्लाईओवर की शेप ही ऐसी है कि वो एक्सीडेंट प्रोन हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि वो एक्सीडेंट सिर्फ जो है ना तुक्के से नहीं होते हैं, वहाँ पे एक्चुअल में कुछ ऐसी पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं जो कि एक्सीडेंट्स करवाती हैं आने जाने वाले लोगों का। जैसे कि मैंने अपनी दिल्ली की द्वारका वाली चुड़ैल की एक स्टोरी बताई थी ना, वहाँ पे भी इस तरह के इंसिडेंट्स बहुत सारे होते थे। अगर बाई चांस बहुत ही ज़्यादा मजबूरी है, आपको जाना ही जाना है, तो कोशिश करो कि रात में अंधेरे में मत जाओ। हालांकि मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि इन चीज़ों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता दिन या रात से, बस रात में थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव इसलिए हो जाती हैं क्योंकि रात में इंसान बाहर नहीं निकलते, तो इन लोगों को लगता है कि भाई अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा बाहर, तो ये बाहर आ जाती हैं। दिन में इंसान बाहर घूम रहे होते हैं तो ये नहीं चाहती कि इंसान इनको डिस्टर्ब करें, इसलिए बाहर नहीं निकलती हैं सब चीज़ें। तो ये थी आज की दो कहानियाँ दोस्तों मुंबई की आर ए मिल कॉलोनी की। मुंबई की और भी जैसे मैंने बताया मेरे पास में बहुत ही बढ़िया बढ़िया मज़ेदार स्टोरीज़ हैं मुंबई की, जिनको कि मैं आने वाले वीडियोज़ में लेकर आता रहूँगा। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि मैं वैम्पायर्स की कुछ स्टोरीज़ लेकर आऊँगा, रियल स्टोरीज़, लेकिन मैं वो वीडियो ला नहीं सका। एक्चुअली मेरे पास वैम्पायर्स की स्टोरीज़ हैं तो सही, अच्छी अच्छी स्टोरीज़ हैं, लेकिन वो मैं ऑलरेडी अपने दूसरे चैनल हिंदी हॉरर स्टोरीज़ पर डाल चुका हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा था कि मैं कुछ नई स्टोरीज़ आपके लिए लेकर आऊँ, लेकिन मुझे अनफॉर्चुनेटली कुछ अच्छी स्टोरीज़ मिल नहीं पा रही हैं, क्रेडिबल स्टोरीज़ वैम्पायर्स की, और मैं उन पुरानी स्टोरीज़ को दोबारा से नहीं सुनाना चाहता था। मुझे मिलेंगी वैम्पायर्स की कुछ स्टोरीज़ तो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। वैम्पायर्स होते हैं, खून पीने वाले होते हैं और आपके और हमारे बीच में ही होते हैं, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। और अभी मैंने कुछ टाइम पहले जिन की स्टोरीज़ का वीडियो डाला था, तो अगर आपको जिन की कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप वो वीडियो ज़रूर सुनें। इसके अलावा और भी मैं अलग अलग हॉरर स्टोरीज़ डाल चुका हूँ अपने चैनल पर, आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द आऊँगा एक और वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, गुड बाय।